ओवैसी के साथियों को योगी ने रगड़ा, पत्थरबाजी का था प्लान, बाबा ने कर दिया इलाज तगड़ा। इस बार पत्थरबाजों के लिए जीप नहीं, पूरी बस लेकर गई थी योगी की पुलिस, कर दिया तगड़ा एक्शन। बहराइच के बाद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में बवाल करने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस की टीम ने अब तक 19 पत्थरबाजों को दबोच लिया है। और सबसे बड़ी बात, इन पत्थरबाजों का कनेक्शन असदुद्दीन ओवैसी से बताया जा रहा है। बीते दिन पहले बुढ़ाना कस्बे में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने पत्थरबाजों और बवालियों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। इसी दौरान मुजफ्फरनगर पुलिस ने अब तक 19 पत्थरबाजों, बवालियों और हंगामा करने वालों को गिरफ्तार किया है। सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए की गई थी। ये लोग सड़क पर प्रदर्शन कर लौटते समय पत्थरबाजी कर रहे थे। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। मामला फेसबुक कमेंट को लेकर शुरू हुआ था और देखते ही देखते सोशल मीडिया की लड़ाई पत्थरबाजी तक आ गई। घटना के बाद परिवार का कहना है कि वो पूरी रात खौफ के साए में गुजरी थी। अगर उस दिन पुलिस टाइम से नहीं पहुंचती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में हुए बवाल में पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी के कनेक्शन का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि पूरे मामले में ओवैसी की AIMIM पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष ने भीड़ को भड़काया था, जिसके लिए बकायदा पार्टी के बुढ़ाना विधानसभा व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑडियो कॉल करके भीड़ को इकट्ठा और सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची गई। इस मामले में पुलिस ने कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य साजिशकर्ता AIMIM के नगर अध्यक्ष आजम भी शामिल हैं। मुजफ्फरनगर के SSP अभिषेक सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर को आपत्तिजनक पोस्ट के आरोपी को पुलिस ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन AIMIM यूथ जिलाध्यक्ष रमीज माविया उस्मानी और नगर अध्यक्ष आजम ने अपने पहले साथियों हसनैन, तारिक और राहिल के साथ मिलकर माहौल खराब करने की साजिश रची। आरोपियों ने ऑडियो मैसेज को AIMIM के बुढ़ाना विधानसभा के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑडियो मैसेज जारी किया कि अल्लाह के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट करने वाले अखिल त्यागी को पुलिस ने छोड़ दिया है। SSP ने यह भी बताया कि इन्हीं लोगों ने भीड़ एकत्र करके माहौल खराब किया। जब पुलिस ने भीड़ को समझा बुझाकर शांत करके वापस भेजा तो इन लोगों ने आरोपी अखिल त्यागी की दुकान पर, घर पर पथराव भी किया, जिसमें इन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई। पूछताछ में ये भी सामने आया कि साजिशकर्ता हसनैन का देवबंद से भी कनेक्शन है। हसनैन जामिया तिब्बिया देवबंद में प्रथम वर्ष का छात्र है। इन लोगों ने पथराव, हंगामा, नारेबाजी और भीड़ को भड़काने के बाद मुस्लिमों से अपने मोबाइल से ऑडियो समेत अन्य सभी कंटेंट को भी डिलीट कराने के लिए दोबारा मैसेज किए थे। पुलिस को अपनी जाँच के दौरान आस मोहम्मद नामक आरोपी के मोबाइल से ऑडियो मिला है, जिसके जरिए भीड़ को भड़काकर हंगामा, बवाल और पथराव कराया गया। पुलिस ने इस मामले में गोल्डन भारत नामक यूट्यूब चैनल चलाने वाले यूट्यूबर राशिद उर्फ गोल्डन ज्वाला को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस यूट्यूबर के पोस्ट पर ही फेसबुक पर कमेंट का जोर शुरू हुआ था और अखिल त्यागी ने भी उस पे कमेंट किया था। पुलिस के मुताबिक मुख्य साजिशकर्ताओं में अभी भी AIMIM के युवा जिलाध्यक्ष रमीज माविया, उस्मानी और तारिक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। देख रहे हैं आप कैसे ओवैसी के नेता कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए डायरेक्ट उपद्रव पर उतर आए और खुद तो आ ही आए, लोगों को भड़काया और बहराइच वाला सीन दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन ये शायद भूल गए कि बाबा की निगाहें इस समय पत्थरबाजों पर ही हैं। और प्रदेश में बहराइच की घटना के बाद तो बाबा मानो पत्थरबाजों के लिए काल बन गए हैं। इस मामले में अभी तक ओवैसी का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने खुलासा करते हुए मामले में ओवैसी के पार्टी के नेताओं की अहम भूमिका बताई है। लेकिन बाबा ने प्रशासन को एक्टिव करके एक बस में पत्थरबाजों को भरकर उनके इलाज का इंतजाम कर दिया है। पत्थरबाजों के बुलंद होते हौसले पर योगी अब प्रदेश में बेहद एक्टिव हैं और कार्रवाई करने में जरा सी भी देरी नहीं कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।